Welcome to my channel, this is MP Vlogs. हम आपको गाड़ियों की रिव्यू ला रहे हैं लगातार काफ़ी अच्छी अच्छी। तो आज हम आए हैं होंडा के शोरूम अमीशा होंडा। तो हम आज चलेंगे, हमने सुना था कि एक साइन करके गाड़ी आई है 125 जो कि अपडेट मॉडल है, हम उसको अंदर चल के देखेंगे कि कैसी है। चलिए आइए। काफ़ी बढ़िया बढ़िया गाड़ी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। स्कूटी भी अवेलेबल है आपके पास लिए, और ये देखिए ये है पुराना मॉडल साइन का, इसमें अपडेट वर्जन आया है ये 25 CC में। चलिए सर से बात कर लेते हैं और अंदर। हेलो सर, आपका नाम? योगेंद्र साहू। हमें जो आपकी 125 CC साइन की गाड़ी आई है उसके हमें थोड़ी सी रिव्यू चाहिए थी। सर एग्जीक्यूटिव है, ये आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। थैंक यू। आपका नाम? जसवंत प्रजापति। 125 CC की गाड़ी है साइन, इसकी हमें थोड़ा सा रिव्यू दीजिए आप, इसकी सारी क्वालिटीज फैसिलिटीज। SP 125 VF6 मॉडल 2020 एडिशन, इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलेंगे, अच्छा व्हील है, टेलीस्कोपिक शॉक ऑफ है, टेलीस्कोपिक शॉक ऑफ है। फिर यहाँ पे आते हो तो यहाँ पर साइलेंट स्टार्टर है, बिना आवाज़ किए बंद भी हो सकती है, चालू भी हो सकती है। यहीं स्टार्ट है, यहीं बंद जी। इसके काफ़ी इसमें आपको LED लाइट के साथ मिल रहा है, यहाँ आपको फुल डिजिटली मीटर मिल रहा है। थोड़ा सा देख लेंगे हम, फोन करके दिखाइए आप। ये थोड़े मीटर में जो फीचर्स हैं वो हमें थोड़ा क्लियर करेंगे आप। इसमें क्या है सर, इसमें एवरेज के साथ साथ पूरी रेंज सेट कर की जाती है, जितना किलोमीटर अपन लोग चलाते हैं उसके बाद सेट की जाती कि तो अपना बचा हुआ किलोमीटर बता देती है कि कितनी चली है, कितनी अपना चले। ठीक है, इसमें क्या मतलब अपडेट है उस वाली गाड़ी से, इसमें सबसे ज़्यादा? उस वाली गाड़ी से ऐसा ज़्यादा तो खास नहीं है, लेकिन इंजन तो सेम हो रहता है, बस इसमें उसमें नॉर्मल बल्ब आता है, हेलोजन बल्ब और नॉर्मल मीटर आता है, बस दोनों में 5 गियर होते हैं पीछे, उसमें पूरे गियर 5 के 5 पीछे लगते, इसमें 1 आगे बाकी 4 पीछे लगते हैं। आप गेयरबॉक्स भी देख सकते हैं नीचे है ये, इसमें दोनों में काफ़ी चेंजेस तो नहीं हुए हैं। इसमें कलर कौन कौन से अवेलेबल हैं अपने पास? चार कलर आते हैं, एक ये हो गया ब्लैक, ये रेड हो गया, और एक ब्लैक के साथ ग्रीन पट्टा आता है, एक ब्लू के साथ रेड पट्टा आता है, और एक फुल मैट ग्रे में आती है। ये चार कलर आते हैं, चार अपने पास चारों अवेलेबल हैं जी, अवेलेबल है। तो भाई इसके इंजन के बारे में बताइए। इंजन 125 CC का इंजन है, इसका कंपनी माइलेज दे रही 75, तो अपन मान के चले 60-65 निकाल के दे रही है कंपनी, 65 ऑन रोड ये निकालेगी। ठीक है, अच्छा लग रहा है इसका, और इसका हम आगे से देख ही सकते हैं, LED लगी है काफ़ी बढ़िया। और उस गाड़ी के बारे में और फीचर्स बताइए हमें। और तो मैं जैसे आप इसके सस्पेंस भी देख सकते हैं, इसमें सील चैन आती है, चैन रहती है अंदर, उसमें सील चैन आती है, पहले आती थी राउंड चैन। इसमें अंतर क्या है दोनों में? अब सील चैन आती तो चैन ढीली होने का ज़्यादा खतरा नहीं है। अच्छा, पहले चैन आती थी उसमें प्रॉब्लम होती? हाँ, पहले लॉक वाली चैन आती थी, तो लॉक तोड़ के अपन लोग उसको टाइट कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, सीधी जुड़ी हुई है चैन, वो ढीली होगी नहीं, बहुत कम होती है ढीली, और ढीली होती है तो फिर से बन जाती है, तो उसको फुल
टैंक है वो कितने लीटर का है? फ्यूल टैंक 10.5 लीटर का है। और आप लोग देख रहे हैं गाड़ी काफ़ी बढ़िया है। चलिए फ्रंट साइड में चलते हैं और वो भी देख लेते हैं। सभी लोग बना के इसको मार्केट में लाया गया है और उसके साथ साथ एवरेज बहुत शानदार दे रही है। लुक तो इसका काफ़ी अच्छा दिया गया है। पुरानी जो SP साइन या साइन कह लें CV साइन तो उनके मुकाबले ये बहुत अच्छा एवरेज दे रही है और उनके मुकाबले ये बेटर है। उनके फेस में भी डिफरेंट है, ये थोड़ा सा शेप वाला है, इसमें पूरा गोल लगा है। लुक चेंज है इसका, हैवी लुक बना दिया गया है। और डिस्क ब्रेक भी अवेलेबल है इसमें? नहीं, डिस्क भी अवेलेबल है, फ्रंट डिस्क आता है इसमें। बाकी सब ने हमें काफ़ी फीचर्स बताए हैं और इसमें जो जो खास खास फीचर्स वो और हमें और क्लियर करें आप। पहली बात तो ये है कि ये SP या होंडा सभी गाड़ियों में विदाउट कार्बोरेटर विदाउट चोक है ये। इसमें न्यूनतम पेट्रोल रखने की कोई लिमिट नहीं है, ऐसा है। इसके अलावा 100 ग्राम पेट्रोल में भी अपनी न्यूनतम चलेगी। हाँ नहीं चलेगी निरंतर, हाँ इसमें कोई सिस्टम ब्रेक्स कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है, एक ब्रेक से दोनों ब्रेक जॉइंट रहते हैं तो आगे का 30% लगता है, पीछे का ब्रेक 70% लगता है। जल्दी रोकना है तो हाथ से वगैरह इससे कम हो सकते हैं जल्दी रोकने के लिए? नहीं, वो तो एक ब्रेक जो भी लगाएंगे वो एक ब्रेक से दोनों ब्रेक जॉइंट है तो कॉम्बो ब्रेक। हाँ कॉम्बो कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है। काफ़ी गाड़ियाँ तो गाड़ी तो बढ़िया हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अट्रैक्शन बॉडी है इसकी, यानी अट्रैक्ट करती है बॉडी। लुक वाइज हैवी लुक है इसका। प्राइस क्या है इसकी? एक शोरूम प्राइस है 84,828 रुपये। EMI अवेलेबल है? EMI अवेलेबल है लगभग 4,999। यहाँ से ऑन हुआ लाइट हमेशा जलेगा इसमें, फ्रंट वाला जी, फ्रंट लाइट हमेशा जलेगा। करके दिखाइए इसका, ये स्टार्टर मोटर है। अच्छा, सेल्फ वाला सिस्टम नहीं है इसमें? स्विच दे दिया है, पहले सेल्फ दिया था, अपडेट हो गई है पिछले मॉडल में। दोनों अवेलेबल हैं पर मैं थोड़ा स्विच ऑफ हो गया। अच्छा, दोनों यही सिस्टम है, यही बटन थोड़ा ऑन करके ये यही स्विच ऑन है। काफ़ी अच्छा, इसका आवाज़ भी साउंड भी बढ़िया है। ठीक है, हम इसको ऑफ कर देते हैं। ये हो गई ऑफ, इंडिकेटर भी, साइड इंडिकेटर, ये साउंड नहीं करते हैं, साउंड नहीं करते इसमें विदाउट साउंड। आप आइए, आपको दो चाबी मिलेंगी, एक तो छोटी वाली सर लोग आपको देंगे और एक देंगे बड़ी वाली गाड़ी। तो दोनों आपको चाबी मिलेगी, बिल्कुल आप दोनों चाबी लेके जाइए। थैंक यू सर, अच्छा लगा आपसे मिलके, जानकारी दी, थैंक यू सो मच।